फ्रेंड्स, आई मीन द कौशल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? अब तो विंटर आ गई है और काफ़ी ज़्यादा ठंड अब स्टार्ट हो गई है और आई एम श्योर कि सारे ही ठंड हो गई है इस टाइम। तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और ठंड को इन्जॉय भी कीजिएगा, क्योंकि हर साल ठंड आती है और हर बार हम यही कहते हैं कि इस बार तो बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसी ठंड कभी पड़ी नहीं है। बट ऐसा हमें ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है इतना। लेकिन ठंड अच्छी भी होती है ना, क्योंकि हम लोग गर्मियाँ ज़्यादा रहती हैं तो हम वेट करते हैं कि ठंड आ जाए और गर्मियों से परेशान हो जाते हैं, तो ठंड आने पर हम बहुत खुश हो जाते हैं। और ठंड आने पर तो बहुत बेनिफिट भी होते हैं ना, क्या क्या बेनिफिट होते हैं? रातें लंबी हो जाती हैं, जिस वजह से सोना भी खूब मिलता है। और सोने के साथ साथ क्या ज़्यादा लोग करते हैं, खाते भी बहुत है ना। आप सब भी खाते होंगे, ज़्यादा ज़्यादा पकवान बनते हैं, कहते हैं ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा ऑयली फूड लोग खा लेते हैं, पकवान खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। और जो खाने के शौकीन होते हैं उनको तो ये जो मौसम है विंटर सबसे प्यारा लगता है, क्योंकि खूब उनको खाने पीने को चीज़ें मिलती हैं। और जो लोग गांव में रहते हैं ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहता होगा ना ये मौसम, क्योंकि एक तो वहाँ पे वो आग जलाते हैं, फिर मज़े से सब फैमिली वाले इकट्ठे होके बैठते हैं। और तो मैंने तो ये भी सुना है कि आग में आलू शकरकंद चीज़ों को भूनकर भी खाते हैं, उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। गाँव के लोगों को तो बहुत अच्छा रहता है। और मूँगफली, ये जो सीज़न है हमारा विंटर, इसमें मूंगफली लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम भी बहुत खाते हैं दिल्ली में। और खूब इंजॉय कीजिए इस विंटर को। और कुछ जगह पर तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है, कुछ जगह पर तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। जो हिल स्टेशंस है वहाँ पर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, लोग घूमने भी आते हैं। कोविड की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट फिर भी इस सीज़न को आप इंजॉय कीजिए और अपना ध्यान रखिए। और बर्फ़ वाले इलाकों के लोगों के लिए तो स्केटिंग करेंगे, घूमेंगे, बर्फ़ के गोले बनाएंगे, आइसमैन बनाएंगे, स्नोमैन बनाएंगे। तो इंजॉय कीजिए और ध्यान रखिए अपना, थोड़ी प्रिकॉशन भी लें ताकि ठंड से आपको नुकसान ना हो। तो इसी विंटर सीजन से रिलेटेड मैं एक छोटी सी पोएम लेके आई हूँ आपके लिए, आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्दी के ये दिन बड़े प्यारे होते हैं, रजाई लेके रात को सारे सोते हैं, धूप में बैठकर बड़ा मज़ा आता है, सब्जी वाला हर दिन नई सब्जी लाता है, टोपी कोटी डालकर बड़ा मज़ा आता है, मोटी लकड़ी चलाकर और मज़ा आता है। जाड़े के दिन आए रे भैया, जाड़े के दिन आए, गाजर मूली और गोभी सभी खेतों में बोते हैं, सर्दी के ये दिन बड़े प्यारे होते हैं। दिन लगा अब जल्दी जाने, रात लगी अब पैर फैलाने, सुबह शाम को कोहरा छाए, हाथ पैर सब लगे ठंडाने, सांस लगी धुआं उड़ाने, धूप लगी अब सबको भाने, गरम गरम चाय को पीकर सभी लगे स्वयं को गर्माने। सर्दी के दिन आए रे भैया, सर्दी के दिन आए। फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी विंटर सीज़न को एंजॉय कीजिए और थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आजकल तूफान भी कई जगहों पर स्टेट में आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और सेफ़ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।